भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार सड़क हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे में ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, जिनका इलाज देहरादून के मैक्स अस्पताल में चल रहा है। ऋषभ पंत की हालत पर डॉक्टरों की तो पूरी नजर भी है, बल्कि खुद उत्तराखंड सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है। तो वहीं ऋषभ पंत के हालचाल को जानने के लिए राजनीतिक दलों के साथ साथ फिल्मी स्टार्स भी अस्पताल आकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं चल सका कि आखिर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट क्यों हुआ, इसकी वजह आखिर है क्या। हालांकि शुरुआत में ये बात सामने आई थी कि झपकी लगने की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। वहीं अब पूरी सच्चाई सबके सामने आ गई है कि आखिर हादसे की सही वजह क्या है और क्यों इतना भयानक हादसा हो गया। दरअसल इस भयानक हादसे की वजह है गड्ढा। जी हाँ, सड़क पर गड्ढा आने की वजह से ऋषभ पंत की कार का बैलेंस बिगड़ा और ये हादसा हो गया। इस बात का खुलासा खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। दरअसल धामी ऋषभ पंत से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने पंत का हालचाल जाना। इसके बाद वो अस्पताल से बाहर आए और मीडिया से मुखातिब हुए। साथ ही उन्होंने हादसे की वजह पर आ रही सभी वजहों पर विराम लगाते हुए बताया कि यह हादसा रास्ते में गड्ढा आने की वजह से हुआ और गड्ढे से बचने की वजह से ऋषभ की कार हादसे का शिकार हुई। आपको बता दें, 30 दिसंबर की सुबह पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे, इसी दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और इस हादसे को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने भी आ रही थी। लेकिन अब सीएम के बयान के बाद न सिर्फ अलग अलग थ्योरियों पर ब्रेक लग गया है, बल्कि ये भी साफ हो गया है कि आखिर हादसे की सही वजह क्या है। खैर, अब उम्मीद है कि सरकार इस हादसे के बाद सबक लेगी और सड़कों पर बने गड्ढों को सही करवाने का काम किया जाएगा, ताकि अब कोई हादसा ना हो और कोई इस तरह इन हादसों का शिकार ना हो। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताएं और देखते रहिए VK News उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। VK News, राष्ट्र के नाम।